अस्सलाम वालेकुम। तो यार क्या हाल चाल है आप सबके, मेरा नाम हमाद है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुआवे की। और हुआवे का आपको पता ही होगा, यूएस की तरफ से उन्हें बैन मिला हुआ था जिसकी जो एक्सटेंशन थी 90 डेज की वो खत्म हो चुकी है परसों के दिन। और अब ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो हुआवे है उसको मजीद 90 डेज की जो है वो एक्सटेंशन मिल रही है यूएस की कंपनीज की तरफ से। और इसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और उसके अलावा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जो है वो यूएस की कंपनीज बार बार हुआवे को जो है वो एक्सटेंशन देती जा रही है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यार अभी वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग बात हो जाती है वो सबसे पहले ये है कि जो यूएस की कंपनीज हैं या यूएस की गवर्नमेंट है, अब उन्होंने जो एक्सटेंशन दी है हुआवे को वो अपनी मर्जी से दी है। उसका रीज़न उन्होंने यूं बताया कि जो यूएस के अंदर कुछ रूरल एरियाज हैं वहाँ जो है वो हुआवे का नेटवर्क यूज़ हो रहा है और वहाँ की जो कैरियर कंपनीज है वो हुआवे के नेटवर्क के 3G 4G को यूज़ कर रही हैं, तो हम उन्हें डिस्टर्बेंस के अंदर नहीं लाना चाहते। इस वजह से जो है वो हम हुआवे को जो है वो 90 डेज की एक्सटेंशन दोबारा से दे रहे हैं, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग वैसे हैं जो कि हुआवे के नेटवर्क्स वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने 90 डेज की जो एक्सटेंशन है उसको बढ़ा दिया है। अब कंक्लूजन की बात कर ली जाए तो यार कंक्लूजन अब तक कोई भी नहीं निकली। या तो हुआवे को जो है वो फुली बैन कर दिया जाए या तो हुआवे जो है वो हार्मनी ओएस के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए। अब तक आपको पता होगा कि हुआवे का जो फाइनल डिसीजन है वो नहीं आया और हुआवे जो है वो मुश्किलात के अंदर जाता ही जा रहा है और हुआवे को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ ही रहा है अभी तक। और अगर बात कर ली जाए पास्ट की थोड़े से, तो मेट 30 प्रो को हुआवे ने लॉन्च किया था, उसके अंदर जो है एंड्रॉयड यूज़ नहीं करने दिया था गूगल ने। तो सब लोगों ने यही सोचा था कि जो हुआवे है वो उसको फुली बैन कर देगा गूगल, लेकिन उसके अंदर भी जो है हुआवे को फुली बैन नहीं मिला। अब 90 डेज की जो एक्सटेंशन है वो मजीद मिल चुकी है। अब जो मेट 30 प्रो था उसके अंदर आपको पता होगा ना तो गूगल की कोई एप्लीकेशन थी ना तो उसके अंदर कोई गूगल की सपोर्ट हुआवे को रखने दी थी गूगल ने। तो इसलिए सब यही सोच रहे थे कि जो हुआवे का टाइम है वो ख़त्म होने पे आ गया और अब जो है हुआवे हार्मनी ओएस के ऊपर शिफ्ट कर देगा। लेकिन अब यार अगर बात कर ली जाए बैक एंड की, तो सबसे पहले बात कर ली जाए बैक एंड की अगर, तो यार इसके अंदर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो यूएस की कंपनीज़ का भी हो रहा है। इसीलिए जो यूएस की कंपनीज़ है वो नहीं चाहती कि वो हुआवे के साथ जो है वो पार्टनरशिप को या बिजनेस को ख़त्म कर लें, क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट के अंदर ये पता चला था कि हुआवे के साथ जो 260 कंपनीज़ है यूएस की, उन्होंने ई कॉमर्स जो है डिपार्टमेंट है यूएस का उन्हें एप्लीकेशन दी थी कि हमें जो है वो हुआवे के साथ बिजनेस करने दिया जाए। तो यहीं से पता चल जाता है कि यार 260 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि हुआवे के साथ बिजनेस करना चाहती हैं। उसके अलावा 2018 के अंदर बिलियंस डॉलर का जो है वो हुआवे ने बिजनेस किया था यूएस की कंपनीज के साथ, तो ये बहुत बड़ा एक ह्यूज अमाउंट है जिसकी वजह से हुआवे भी नहीं चाहता और यूएस की कंपनीज भी नहीं चाहती कि ये बैन फुली मतलब के कंप्लीट हो जाए और उसके बाद जो है वो बैन दोबारा कभी भी ना हटे और गूगल की एप्लीकेशन है या हुआवे को जितनी भी सपोर्ट मिल रही है यूएस की कंपनीज की तरफ से वो दोबारा मिले। और मैंने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेट 40 सीरीज जो हुआवे की आने वाली है अगले साल के आखिरी क्वार्टर के अंदर, जो कि समर का एंड होगा, जब गर्मियों का एंड होगा तो तब हुआवे की मेट 40 सीरीज आती है। तो अब जो हुआवे का कनेक्शन है वो उसी के साथ है, क्योंकि तभी हुआवे ने कहा था कि हम अपना हार्मनी ओएस को यूज़ वगैरह करेंगे। तो हुआवे की जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मतलब सारे ममालिक के अंदर जो वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करता है फोन्स की, वो कहीं से कहीं मतलब वहीं से कनेक्टेड है, क्योंकि हुआवे तब तक जो है वो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट नहीं करेगा जब तक उसे फुली जो है वो एंड्रॉयड की सपोर्ट नहीं मिल जाती, या तो वो फुली बैन नहीं हो जाता और उसके बाद हार्मनी ओएस को यूज़ मतलब के करने लग जाता है। क्योंकि अभी अगर 90 डेज ख़त्म भी हो जाएंगे, ये कुछ ही दिनों की बात है, 90 डेज भी ऐसे गुजर जाएंगे और उसके बाद हुआवे को अगर फिर बैन मिल गया तो फिर क्या होगा कि हुआवे जो है वो अपना हार्मनी ओएस अभी तक पता नहीं क्यों नहीं यूज़ कर रहा, उनका ये कहना है कि वो समर के एंड तक यूज़ करेंगे, तो तब तक वो जो है वो सबको मतलब के सफ़र करना पड़ेगा, तब तक जो हुआवे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रुक जाएगी और काफ़ी ज़्यादा कंपनीज को फ़ायदा होगा जो दूसरी हुआवे की कंपनीज है कॉम्पिटिशन वाली, और हुआवे को जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि उसे इस साल तो लॉस नहीं हुआ, अब जितना भी लॉस होगा वो अगले साल ही होने वाला है। तो खैर अब बात कर लीजिए मेट 30 प्रो की, तो यार मेट 30 प्रो के अंदर हुआवे को जो है वो यूज़ नहीं करने दी गई थी गूगल की ऐप, और काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्वेश्चन है कि हमने उन्हें इम्पोर्ट करवाना है, मतलब कि मेट 30 प्रो को पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट करवाना है, क्योंकि आपको पता होगा वो सिर्फ चाइना के अंदर चल रहा है, उसी के अंदर उन्होंने लॉन्च किया था और वहाँ उसकी सेल्स अच्छी हैं, वैसे वो ग्लोबली लॉन्च नहीं किया गया। तो जो लोग भी कह रहे हैं यार इम्पोर्ट करवाना है, तो मेरा भी उनको यही आंसर है कि यार अभी इम्पोर्ट ना करवाएं, क्योंकि जब ये आया था तब ऐसा ऑप्शंस थे, तब ऐसी ट्रिक्स थी, तब ऐसे मेथड थे तो जिससे आप जो है वो प्ले स्टोर की एप्लीकेशन को कर सकते थे यूज़, लेकिन उसके बाद जो है वो भी मेथड्स को हटा दिया गया गूगल की तरफ से, जितने भी मतलब जो है जितने भी मेथड थे जिसकी मदद थे जो है वो मेट 30 प्रो के अंदर गूगल की ऐप्स को यूज़ किया जा रहा था, जो गूगल है उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इस बात के ऊपर और गूगल ने वो भी जो मेथड है उसको भी ख़त्म कर दिया, अपनी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं किया
करने दिया बहुत स्ट्रिक्टली मेट 30 प्रो के अंदर। तो यार मेरा सिंपली यही आंसर है कि अगर आपको मेट 30 प्रो लेना ही है तो यार वेट कर लो, क्या पता हुआवे का ये जो बैन है उसका एक साइड मतलब रख दिया जाए और उसके बाद हुआवे जो है मेट 30 प्रो को ऑफिशियली ले आए, तभी आप इसी डिवाइस को लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लेते हैं और रिस्क के तौर पर आप अपनी एप्लीकेशन को कर भी लेते हैं तो बाद में कोई भी गारंटी नहीं है कि वो एप्लीकेशन रहेगी या गूगल जो है वो उसको रिमूव कर देगा परमानेंटली। तो आज की ये वीडियो थी, अगर आपको कोई भी कमेंट या कुछ भी आप सोच रहे हैं हुआवे को लेकर, हुआवे के बैन को लेकर, तो नीचे कमेंट करके मुझे लाजमी बता देना। इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।